अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अदा। और मैं हूँ अदा फारूक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी परफेक्ट बने तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। आधा किलो चिकन बोनलेस लिया, उसको हमने क्यूब्स में काट लिया। एक चाय का चम्मच नमक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 अदद अंडा, ये भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये चिकन मैरिनेट हो गया है, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब इसको हम ये फ्राई कर रहे हैं। ऑयल में एक एक पीस डालेंगे हम, सारा इकट्ठा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डला हुआ है। अगर वो सारा इकट्ठा डालेंगे तो वो बिल्कुल जुड़ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। कढ़ाई को बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है आपने, आधा एक दफ़ा में फ्राई करेंगे और आधा एक। चिकन इस तरह से हमने डाल दिया है, अब इसको कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना। अगर आप डालते ही उसको हिलाएंगे तो सारी उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, तो 2 मिनट के बाद फिर हम इसको हिलाएंगे। अब 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट गोल्डन दोनों साइड से हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल हम निकालेंगे इसमें और इसको फिर डिश आउट करेंगे। चिकन फ्राई हो गया है, अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हमने 6 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे हम। इसको हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। लहसुन गोल्डन हो गया हमारा, अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही इसमें ये 2 टेबलस्पून लीमू का रस है, ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने 30 सेकंड तक भून लिया और साथ ही इसका चूल्हा बंद कर, तक इसका चूल्हा बंद रहने देंगे, थोड़े से फ्लेवर्स सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से चूल्हा से। इसके बाद अब चूल्हा हमने दोबारा से जला लिया, अब ये आधा चाय का चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, नमक, आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया, 6 टेबलस्पून सोया सॉस, 6 टेबलस्पून केचप, 6 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम एक ये प्याज डाल देंगे जिसको हमने क्यूब शेप में काट लिया था और इसकी पेटल्स अलहदा अलहदा कर लिए। दो शिमला मिर्च क्यूब शेप में काट ली, ये भी डाल देंगे। 1 मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर जो चिकन फ्राई किया हुआ है वो डाल देंगे। 1 मिनट के बाद अब ये फ्राई चिकन हम इसमें डाल देंगे, साथ ही 1 कप पानी भी डाल देंगे और फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे क्योंकि चाइनीज़ डिशेस को पकाते हुए फ्लेम मोस्टली मीडियम टू हाई ही रखा जाता है। अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब ये बॉयल हो रहा है दोबारा से। इसमें अब ये 1/4 कप पानी लिया, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसको ये इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे कि ग्रेवी जो है इसमें थोड़ी सी थिक हो जाए और फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर दें। ग्रेवी थोड़ी सी इसकी थिक हो गई है, मंचूरियन इज़ रेडी, अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। मंचूरियन के साथ सर्व करने के लिए हम के लिए 1/4 कप ऑयल हमने डाल लिया। इसमें सबसे पहले हम ये 100 ग्राम मटर डाल देंगे, इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर बारीक काट ली हुई है, अब इसमें हम ये डाल देंगे। इसमें हम ये हरा प्याज है 1 बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर में इस जगह खाली करके इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला हमने। अब इसमें 2 अंडे फेंट के हम डाल देंगे, 1 मिनट तक इसको पकने देंगे, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे। अब
अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर, अब इस संडे को हम अच्छी तरह से वेजेस के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये आधा किलो बॉयल किए हुए चावल हैं ये डाल देंगे। चावल डालने के बाद अब इसके ऊपर हम 4 टेबलस्पून विनेगर और साथ ही 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। विनेगर और सोया सॉस चावल डालने के बाद डालेंगे, अगर वेजीज पे डालेंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, अच्छा कलर नहीं रहेगा, तो इसलिए चावलों के ऊपर डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको ढाँप के हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। टेस्टी एंड टेम्पटिंग चिकन मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस आर रेडी टू सर्व। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।